जी व्यूअर्स, हम यहाँ पकौड़ों वाली जगह पे आ चुके हैं और ये रोड जो है ये अक्सर लोग जो हैं ये यहीं पे रुकते हैं पकौड़ों के लिए। ग्रीन होटल रेस्टोरेंट इधर का नाम है इस रेस्टोरेंट का, और यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं, आप रिफ़्रेश हो सकते हैं। और यहाँ पे गाड़ी धुलवाने की जगह भी बनी हुई है, यहाँ पे जितने लोग पार्किंग करते हैं वो गाड़ी भी धुलवा लेते हैं। जी अब हम जा रहे हैं ग्रीन होटल रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे बड़े अच्छे पकोड़े भी जो हैं वो मौजूद होते हैं। और अभी हम इन लोगों से पूछते हैं कि इस टाइम इन लोगों के पास क्या क्या अवेलेबल है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़े से पकोड़े तो बनाए हुए हैं, रखे भी ताज़ा पकोड़े हैं। जी जी ताज़ा पकोड़े हैं। जी जी कौन कौन से पकोड़े होते हैं यहाँ? आलू वाले, आलू प्याज और मिर्च। हाँ। और मिर्च वाले पकोड़े होते हैं वो बड़ी बड़ी मिर्च। और अंडे वाले भी पकोड़े आप लोग देते हैं? अंडे वाले भी मिलेंगे। अच्छा, तो अब हम अपने मुताबिक, मैं और मम्मी जो हैं वो अपने मुताबिक इस साइड पे आ रहे हैं ताकि रोशनी हो। तो अब हम जो हैं वो अपने मुताबिक ऑर्डर करने लगे हैं जितना हम लोग खा सकते हैं। तो देखते हैं कि कितना खाते हैं। अभी रास्ते में हम रुके हैं और ये सबका तकरीबन फेवरेट जो है वो पिकनिक स्पॉट होता है, सारे लोग यहाँ रुक के जो है वो पकौड़े खाने पसंद करते हैं। तो अभी हम ऑर्डर कराते हैं पकौड़ों का। दो अंडे वाले कर दें पकौड़े, दो अंडे वाले कर दें पकौड़े, दो मिर्च वाले कर दें पकौड़े, और एक पाव कर लें, एक पाव कर दें मिक्स पकौड़ा। ठीक है जी, ठीक है जी। और बस चाय, कोल्ड ड्रिंक साथ? कोल्ड ड्रिंक कौन कौन सी है आपके पास? पेप्सी है, 7-Up, मिरिंडा है। और कौन सी पीनी है? कौन कौन सी है? पेप्सी, 7-Up, मिरिंडा, कोक। 7-Up दे दें। आप लीटर है, 1.5 लीटर है? कैन नहीं है छोटा? कैन नहीं, तो नेस्ले के छोटे जूस हैं? एक मिनट, स्लाइस वाले, स्लाइस वाले वो ये हैं। अच्छा ठीक है, ये दो जो है वो यही कर, हाँ ये, हाँ यही कर दे, दो टॉप्स कर दे, ये दो टॉप्स। हाँ ठीक है जी। हाँ ये आप लोग अंदर से होटल का व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा है। बाहर भी सिटिंग एरिया है पर इस टाइम क्योंकि बाहर धूप है इसलिए हम बाहर नहीं बैठेंगे। कोई नहीं जी, आ जाएगी रौनक भी, आ जाएगी बहाल हो जाएगी रौनक। अभी जब ये पेंडेमिक ठीक हुआ है थोड़ा तो इंशाल्लाह लोग भी आना शुरू हो गए। अब तो माशाल्लाह बहुत बिल्कुल काम जीरो है बिल्कुल। और अब हम लोगों को ये रेकमेंड करते हैं कि आप इनकी शॉप से, रेस्टोरेंट से आके तो पकौड़े जरूर खाएं। इनके पकौड़े हम बचपन से खाते आए हैं इस रेस्टोरेंट से और ये बेस्ट होते हैं इधर के जो है पकौड़े। किस भी नहीं आना, तू किस भी नहीं आखना, कोई बंदा किस ना आखना, उल्टा तो अटाउटमेंट ज्यादा होती, अटाउटमेंट तो ज्यादा होती, किस ना आना। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पकोड़े बना रहे हैं, निकाल रहा है, फ्रेश पकोड़े जो है वो बन रहे हैं इस टाइम हमारे लिए। जी ग्रीन होटल इधर का नाम है, ग्रीन होटल। अभी हम पकौड़े खाएंगे और अभी हम यहाँ बैठ के जो है वो वेट करने लगे हैं अपने पकौड़ों का। और भूख भी लग रही है, रास्ते में थोड़े से हम थक भी गए हैं। और यहाँ से ना
ब्रेड भी मिलती है, नाश्ता भी मिलता है यहाँ से, ऑमलेट और ब्रेड भी मिलती है, चाय बड़ी अच्छी मिलती है। हाँ, चाय भी अच्छी। हाँ, अगर आपको थकावट और आप चाय पिए तो काफ़ी हद तक जो है वो थकावट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो है, अगर ज़्यादा प्यास लगी हो तो कोल्ड ड्रिंक भी ठीक है। तो बस आप जब पकौड़े आ जाएँ तो वो दिखाते हैं आपको। जी, ये पकौड़े आ गए हैं। दो इसमें जो है हमने अंडे वाले पकौड़े मंगाए हैं, दो हमने इसमें जो है ये मिर्च वाले पकौड़े बनाए हैं मंगाए हैं। ये देखें, ये सारी बड़ी सारी मिर्च है, और साथ हमने जो है ये चटनी इनने दी है, और साथ हमने ये कोल्ड ड्रिंक लिया है, फ्रॉस्ट लिया है, और बड़े मज़े के लग रहे हैं ये पकौड़े। और अभी हम खाते हैं तो फिर आपको बताते हैं। ये पकौड़े हम आपको खा के बताते हैं क्या। मम्मी जो है वो पकौड़े खाने लगी हैं, और अभी मैं मम्मी को ज्वाइन करने लगी हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, अभी हम आपको पकौड़े खा के मैं भी बताती हूँ कि मुझे पकौड़े कैसे लगे। बहुत अच्छे पकौड़े हैं, बहुत अच्छी चटनी है। अच्छा, मम्मी तो बता रही है कि बड़ी उन्हें चटनी बहुत मज़े की लगी है, मम्मी ये बता रही हैं। अभी मैंने पकौड़ा जो है वो ट्राई करना है, मैं इनमें से एक पकौड़ा लेती हूँ और अभी आपको खा के मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ कि कैसा लगा। ये मैंने लगा ली चटनी। बड़े खस्ता पकौड़े हैं, बड़े मज़े के पकौड़े हैं, और चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप ये देखें कि ये सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पकौड़ा लो, आप उसे चटनी से लगाओ यूँ। ये देखें, बेहतरीन। बहुत अच्छे पकौड़े, चटनी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त। और इस चटनी में जो जायका है ना, अच्छा सा मज़े का, बड़ा तेज़ और अच्छा मिर्च वाला जायका, ज़्यादा भी नहीं मिर्च और कम भी नहीं, इट्स जस्ट परफेक्ट। मैं तो कहती हूँ कि जो यहाँ रास्ते में नहीं रुकेगा वो गलती करेगा, कितना मज़ा आ रहा है ये पकौड़े खा के। तो ये मिक्स पकौड़े का रिव्यू तो हम आपको बता चुके हैं कि बहुत ज़्यादा खस्ता, ताज़ा और बहुत मज़े के पकौड़े हैं। अम्मी जो है वो अंडे वाला पकौड़ा ट्राई करने लगी हैं, और मम्मी ये खा के बताएंगी कि ये कैसा है। लग रहा है कि अम्मी जो हैं वो बड़े मज़े में हैं, और यकीनन ये बहुत टेस्टी है, और चटनी लगा के बहुत अच्छा है। और मैं भी अब जो है अपना जो है अंडे का पकौड़ा जो है वो ट्राई करने लगी हूँ। जी व्यूअर्स, तो देखती हूँ कि मुझे कैसा लगा ये। लकीली मेरा अंडा अभी नहीं टूटा। अच्छा है, पर बड़ा खस्ता है। जब भी आप यहाँ के पकोड़े लें तो आप मिक्स प्लेट बनवाएं, सिर्फ एक किस्म के पकोड़ों की प्लेट ना बनवाएं, क्योंकि एक एक पकोड़ा जो है वो बड़ा मज़े का है। ये मिक्स वाले भी बड़े अच्छे हैं, ये अंडे वाला भी बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार है, और लास्ट में आपको मिर्च वाला पकौड़ा खा के बताते हैं, उसका बताते हैं कि वो कैसा लगा। अभी तक तो हमारी तरफ से 100 में से 100 मार्क्स हैं, मिक्स पकौड़ों के लिए भी और इस अंडे वाले पकौड़ों के लिए भी। अभी मैं आपको मिर्च वाला पकौड़ा खा के बताऊँगी कि वो कैसा लगा। ये देखिए, अब ये देखते हैं कि ये कैसे लगे। अच्छा,
व्यूअर्स, इस पकौड़े में थोड़ी सी मिर्च है। फॉर एग्जांपल अगर आप मिर्च के फैंस हैं तो आप ये पकौड़े खाएं मिर्च वाले। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा लगती हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप मिर्च वाला अवॉइड करें और मिक्स पकौड़े खाएं। वैसे ओवरऑल बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं है, इतनी ज़्यादा मिर्च नहीं है कि जिस वजह से बंदा कहे कि भाई जल्दी पानी पियो या क्या। अच्छी मिर्च है, लाइट टेस्ट है, बहुत ज़्यादा उस तरह की मिर्चें नहीं आई है कि जो मुँह में ज़ुबान को जलाने लग जाए। और अच्छा है इनका टेस्ट है, लाइट टेस्ट है। अम्मी तो मेरा ख्याल है खा चुकी है अपनी मिर्च। मैं ज़रा स्लो ईटर, अम्मी को जो है वो मिर्चें बहुत पसंद है तो मुझे भी मिर्च बहुत पसंद है। यहाँ से ही मौसम अच्छा हो गया, मौसम बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है जी। व्यूअर्स वैसे ये मिर्च वाला पकौड़ा खा के भी बड़ा मज़ा आया। ये आप लोग देख सकते हैं कि हम इतने भूखे थे कि हमने सारी प्लेट जो है वो पकौड़ों की फ़िनिश कर ली है और चटनी भी हमने तकरीबन फिनिश कर ली है और बस ज़रा सा फ्रॉस्ट बाकी है। तो फ्रॉस्ट जो है वो मैं भी पीने लगी हूँ, बड़ा ठंडा ठंडा फ्रॉस्ट है। व्यूअर्स ये बेस्ट रेस्टोरेंट आने के लिए और बड़ा ही खस्ता पकौड़े और बड़ा मज़ा आया। इससे ज़्यादा टेस्टी पकोड़े मेरा ख्याल है आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे, इतना मज़ा आया ये पकोड़े खा के। खस्ता है और टेस्टी है। अभी अभी मैंने और मम्मी ने जो है वो पकोड़े फिनिश किए हैं, बड़ा मज़ा आया और जूस पिया है। और अब हम यहाँ बाहर बालकनी देखने आए हैं कि बालकनी कैसी है। इस वक्त तो धूप है लेकिन हाँ। शाम को यहाँ मौसम बड़ा अच्छा होगा। हाँ, शाम को यहाँ मौसम बहुत अच्छा होगा। जिस दिन भी मौसम अच्छा हो तो उस दिन आप ये जो ग्रीन रेस्टोरेंट है यहाँ पे आके तो बाहर बैठ के तो पकौड़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ से व्यू भी बहुत आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा वैसे है। मम्मी पहाड़ वगैरह हाँ, नज़र अच्छा। आ रहे हैं भी और ये वो व्यू हैं कि जो सारी थकावट इंसान की उतार देते हैं, ख़ास तौर पे जब इस व्यू के सामने इंसान बैठ के गर्मा गर्म पकौड़े खाए। तो चले व्यूअर्स, अब हम अपने सफ़र का जो है वो आगाज़ करते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जब हम नथिया गली पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगला व्लॉग जो है मेरा ज़रूर देखिएगा, बेल आइकन जो है उसे क्लिक करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब लाजमन करें, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी कोई मेमोरी या आपका जो एक्सपीरियंस है नथिया गली का वो हमें शेयर करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यहाँ व्यूअर्स सिर्फ पकौड़े भी नहीं बल्कि बिस्किट्स वगैरह जैसी आइटम्स भी हैं और ये केक पड़े हुए हैं जो कि आप चाय के साथ खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो है ये जब भी ऑर्डर दो तो ये ताज़ा पकौड़े जो है वो तैयार करके देते हैं। ओके जी, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे आपके पकौड़े और हम सारे व्यूअर्स को ये एडवाइस करेंगे कि वो मोटरवे वाले रास्ते से ना जाएं मरी और नथिया गली, वो पुराने रास्ते से आएं ताकि इस तरह के रेस्टोरेंट्स का लुत्फ़ उठा सकें, यहाँ के जो पकौड़े हैं वो खा सकें और मज़ा ले सकें। ये आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ कि ये है ग्रीन रेस्टोरेंट, यहाँ से आपने लाजमन पकौड़े जो हैं वो ट्राई करने हैं। ओके जी, अब हम अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।